Hey, what's up guys, welcome to my YouTube channel IT Creators. So guys, today in this video I will show you ऐसा एक गैजेट जो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्री वाईफाई प्रोवाइड करेगा. तो एक गैजेट से हॉटस्पॉट ऑन करके वर्ल्ड के टॉप 100 कंट्रीज में फ्रीली इंटरनेट कर सकते हो कोई नेटवर्क या सिम कार्ड चेंज करे बिना ही, जो एक ट्रैवलर्स के लिए अमेजिंग हो सकता है. तो एक गैजेट के बारे में और भी डिटेल्स में जानने के लिए सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. और IT Creators YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ये नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, आगे ऐसे गैजेट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा. इंट्रोड्यूसिंग GlocalMe 4G वायरलेस डाटा टर्मिनल या पॉकेट साइज ग्लोबल वाईफाई राउटर. तो ये वाईफाई गैजेट को डिजाइन करा गया है एक स्मार्टफोन की तरह, जिसमें आपको मिलेगा 4 इंच का टच डिस्प्ले एंड मिलेगा हेवी बिल्ड क्वालिटी के साथ मेटल का बॉडी. और ये वाईफाई गैजेट के अंदर आपको मिलेगा 5.5000 मिली एम्पियर का बैटरी सपोर्ट, जो एक पावर बैंक की फीचर्स प्रोवाइड करता है. तो एक गैजेट का नीचे में आपको मिलेगा एक USB पोर्ट, जिससे आप सेल फोन को चार्जिंग कर पाओगे. और इसका राइट साइड में आपको मिलेगा एक सिम स्लॉट एंड माइक्रो USB पोर्ट मिलेगा, जिससे आप ये गैजेट्स को चार्जिंग कर सकते हो. एंड ये वाईफाई गैजेट का लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा एक पावर बटन, और इसके साथ और भी दो बटन्स मिलेगा, जिसे आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो और नेविगेशन कीज की तरह यूज कर सकते हो. सो अब ये वाईफाई गैजेट को ऑन करके इसका काम आपको डिटेल्स में बताऊंगा. तो इसको ऑन करने के साथ ही साथ आपको दिखाएगा एक वेलकम मैसेज एंड नीचे में आपको दिखाएगा पावर्ड बाय एंड्रॉइड. तो इसे देख के आप सोच रहे हो कि ये तो एक स्मार्टफोन लग रहा है, बट ये डिवाइस स्मार्टफोन नहीं है. इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड्रॉइड का यूज करा गया है. और आप स्क्रीन में देख सकते हो वर्ल्ड का ऊपर 4G लोगो आ रहा है. इसका मतलब ये डिवाइस से आप वर्ल्ड का 100 कंट्रीज के अंदर हॉटस्पॉट इनेबल करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर एक वर्चुअल सिम कार्ड इंस्टॉल्ड है, जो वर्ल्ड का मैक्सिमम देशों में इसका नेटवर्क अवेलेबल मिल जाता है. जो एक ट्रैवलर्स के लिए ये वाईफाई डिवाइस बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज हर देश का हिसाब से आपको अलग अलग सिम कार्ड लगाने का या चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. तो ये वाईफाई डिवाइस में आप फर्स्ट टाइम 1.10 GB का 4G डाटा फ्री पाओगे, वो भी पूरा एक साल के लिए. तो ये डिवाइस को एक्टिव करके इसका वाईफाई को यूज करने के लिए जस्ट प्ले स्टोर से इसका ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, देन सिंपली ऐप को ओपन करके एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. देन ये स्मार्टफोन ऐप के थ्रू आप बहुत सारा काम कर सकते हो, जैसे कि माय अकाउंट में जाके आपका करंट डेटा बैलेंस चेक कर सकते हो एंड रिचार्ज कर सकते हो. और फर्स्ट टाइम ये डिवाइस को परचेस करके इसे एक्टिव करने के लिए एक QR कोड को स्कैन करके एक्टिव करना पड़ेगा. सो इसे एक्टिव करने के लिए माय डिवाइस से जाके नीचे एक्टिव योर डिवाइस में जाना पड़ेगा, देन स्कैन द QR कोड बटन में क्लिक करके ये डिवाइस का QR कोड को स्कैन करने के साथ साथ एक पॉपअप मैसेज आएगा, जिसको कंफर्म करने के साथ साथ ये वाईफाई डिवाइस एक्टिव हो जाएगा. तो QR कोड स्कैन करने के बाद ये वाईफाई डिवाइस में आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा एंड ये फ्री डाटा एक्टिव हो जाएगा, जिससे आप आपका स्मार्टफोन या लैपटॉप से वाईफाई में कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो. तो एक GlocalMe पॉकेट साइज राउटर को स्पेशली बनाया गया है, जो लोग मैक्सिमम टाइम अलग अलग देशों में ट्रैवल करते हैं या एडवेंचर पे जाते हैं, जहां पे आपका लोकल सिम ऑपरेटर का नेटवर्क मिलना इम्पॉसिबल है. तो एक GlocalMe वाईफाई डिवाइस अलग अलग देशों में एंड कुछ आइलैंड में भी 4G इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जिसके मदद से आप इमरजेंसी टाइम में इंटरनेट एक्सेस करके मैसेजेस सेंड कर सकते हो एंड और भी बहुत कुछ हेल्पफुल काम कर सकते हो. तो आप दिखाऊंगा ये वाईफाई डिवाइस का स्पीड टेस्ट. जैसे कि आप देख सकते हो मेरे लोकेशन में 1 Mbps का स्पीड मिल रहा है. तो ओपन एरिया में नेटवर्क ज्यादा आया तो मैक्सिमम 150 Mbps स्पीड से डाउनलोडिंग कर सकते हो एंड मैक्सिमम 50 Mbps स्पीड से अपलोडिंग कर सकते हो. तो ये वाईफाई डिवाइस में डेटा पैक खत्म या एक्सपायर होने पर GlocalMe का ये स्मार्टफोन ऐप से आप डेटा पैक को चूज करके रिचार्ज कर सकते हो. और ये डेटा पैक का जो वैलिडिटी होता है वो 1 साल या 2 साल के लिए होता है, बिकॉज ये डिवाइस को बनाया गया है एडवेंचर और ट्रेवलिंग पर्पज में, जिससे ये डेटा पैक हर टाइम यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है. और आप चाहो तो ये डिवाइस को आप एवरी टाइम वाईफाई हॉटस्पॉट इनेबल करके काम में ले सकते हो. तो इसमें आप आपका 2 लोकल सिम इंसर्ट करके इससे वाईफाई जोन क्रिएट कर सकते हो. तो ये सिम स्लॉट में 2 नैनो सिम कार्ड लगा सकते हो, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन और भी अदर्स ऑपरेटर का सिम कार्ड लगा के हॉटस्पॉट इनेबल कर सकते हो. और आपका हिसाब से एक GlocalMe 4G डाटा टर्मिनल को काम में ले सकते हो. तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो एक लाइक करके कमेंट और शेयर भी कर दीजिए. और स्क्रीन में मेरा प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक करके IT Creators YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो. आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो स्क्रीन में और भी 2 वीडियोज़ है, ये 2 वीडियोज़ का क्लिक करके आप अभी देख सकते हो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड टाटा टेक केयर. मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में.